पेश किया वैसे शायरी भी अच्छी कर लेते हैं। था आजाद नज़्म नुमाई कोई चीज़ थी। बहरहाल तो अब हम इस फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। जनाब अजीत झा तशरीफ लाए। नहीं ठीक है, उनकी उनका नाम है तो वही तशरीफ लाए। बेहतर जनाब आप पेश करें अपना कलाम ख्याल। बहुत बहुत आभार चरणदेव जी। अब सब लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, हम तो डर गए। मीना जी ने बोला भावना, कोई भावना मेरे सर के हाथ, मेरी वाइफ का नाम है। तो उनसे डर के यहाँ आए, यहाँ भी डरा रहे हैं आप। चरणदेव जी ने कहा कि 5 मिनट का समय है, मैं देख रहा था कहाँ कटोरा बजेगा 5 मिनट के बाद। तो प्लीज तालियां जोर जोर से बजाएं, आप बजाने लगे हम समझ जाएंगे भी जाना है। आप बिल्कुल मजा आ रहा है, बस बता रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी आने बजाने जी। मेरा वैसे भी वॉल्यूम ज्यादा है, आप निश्चिंत रहे, पहुंचेगा आप लोगों की तरफ। आप लोग बस अपना आशीष ने बनाए रखें। सर्वप्रथम माविना पानी को प्रणाम। मैं थोड़ा हिंदी डाइस के उनके शब्दों का प्रयोग करूंगा, क्षमा चाहूंगा अगर कुछ ऐसा लगे तो। वैसे यहाँ पे बड़े विद्वान लोग बैठे हैं इस मंचासीन सभागार में, सारे उपस्थित विद्वानों को प्रणाम। और आप ही लोग बताएं, अभी मैं हिंदी जुबान में पढ़ रहा हूँ, उर्दू में मुझे उतना ज्ञान नहीं है, तो बताइएगा। एक दो मुक्तक पढ़ रहा हूँ, बस आप लोगों का आशीष स्नेह चाहूंगा। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, हिना जी से इंस्पायर होके मैंने कहा कि चलो यही सुनाया जाए। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। अपनों का अपनों से, अगर आप लोग साथ देंगे तालियों के साथ तो ज्यादा मजा आएगा। सारा कोई दिक्कत नहीं। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। देखे हैं वो हमें जैसे कोई बाज हो, सुनते हैं वो हमें जैसे कोई राज हो। अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की, सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की। सुलगता है मेरा मन नफरत की आग सी, जैसे को तैसे का सहारा हो गया। मुझे देखते ही ज्यादातर महिलाएं बड़ी खुश हो जाती है। तो समस्या ये है, बोलते यार ये कम से कम भगवान ने इसे मेरे गले तो नहीं बांधा। बाकी जो संडे सैटरडे मॉर्निंग में होता यूं है कि मेरी वाइफ समझ जाती है, भैया जाओ जहां लाना है, भैया हमें मत ले जाओ। 14 साल पहले अपने मोहल्ले में हम लोग कविता के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, आज तक नहीं पता मेरी वाइफ को कि वो परोसन के बारे में बात, मैं आज भी लग रहा है मैं कविता के बारे में बात कर रहा हूँ। उस चक्कर में 14 साल से कविता पढ़ रहा है। एक बार सफलता के किवार पर एक दिन मैं हनहनाते हुए चढ़ गया। आवेग के आधार पर सफलता के किवार पर एक बार मैं हनहनाते हुए चढ़ गया और निर्णय लिया कि हमेशा हरदम हंसूंगा मुस्कुराऊंगा।
निर्णय लिया कि हमेशा हर दम हंसूंगा मुस्कुराऊंगा। जीवन में कैसी भी समस्या आए, हंसते मुस्कुराते सुलझाऊंगा। मन ही मन मैंने ये वचन लिया, और पितामह भीष्म की तरह अटल प्रतिज्ञा कर लिया कि तभी कहीं से मेरी पत्नी मेरे समक्ष उपस्थित हुई, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लट में हुई, स्थिति मेरे सामने स्पष्ट था, स्थिति मेरे सामने स्पष्ट था। घर में गृह युद्ध की समस्या निकट था, मैंने सोचा घर में समस्या के मूल में ये था कि 3 दिन पहले आप मेरी बात पे हंसे क्यों। और मैं अपने आप को कोस रहा था कम्बल, तुम अभी अभी इस प्रतिज्ञा के फेर में फंसे क्यों। मेरी व्यवस्था देखिए, मेरी व्यवस्था देखिए कि अगर नहीं हंसता हूं तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अगर इस स्थिति में नहीं हंसता हूं तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, और अगर हंसा तो बीवी छूट जाएगी। मेरा नाम अजीत झा है और मैं विगत एक दशक से यूएई में रहता हूँ। वैसे मूलतः अबू धाबी से हूँ, लेकिन सब मुनव्वर भाई और इस तरह से कार्यक्रम करते हैं तो अक्सर आना जाना होता है। और बहुत बहुत आभार बंदे उद्दूर का कि उन्होंने बुलाया और इस तरह के कार्यक्रम करें। सर आपका भी इसी तरह हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहें और इस तरह के कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, बहुत बहुत आभार। मैं इंडिया में मूलतः बिहार से हूँ, लेकिन कामकाजी लोग इस तरह से कहीं ना कहीं से बिहार में मूल।